तो वही आज लड़के जा रहे हैं 7 किलोमीटर दूर ब्रेकफास्ट करने के लिए। अब सिर्फ ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता करने के लिए इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है ना। तो वही इसीलिए इस वीडियो का नाम है अनप्लान्ड ब्रेकफास्ट, क्योंकि जब 3 दोस्त मिलके इंस्टेंटली ऑन द पॉइंट कोई प्लान बना ले, वही तो असली ट्रिप होती है मेरे दोस्त। और ये कहानी यहाँ बाइक से शुरू नहीं होती, ये कहानी शुरू होती है सुबह 8 बजे हमारे रूम से। तो अभी बजे सुबह के 8 और अपनी सारी जनता सो रही है, सबको उठाते हैं लात मार मार के। मैंडू उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जा यार। अलता क्या करें ब्रेकफास्ट के लिए, बनो कहाँ जाएं यार, देख नीचे अपने सोई आंटी दिखाएं ना यार, आज कुछ बढ़िया खाने का मन है। जैसे बढ़िया क्या, सूरज महल। हाँ हाँ, बाइक का जुगाड़ कौन करेगा, तू करेगा, ये करेगा, ये तो लाश हो रखी है, पर ये कैसी लाश है। तो फिर सूरज महल फाइनल है, सूरज महल इज ऑन। तो भाई ब्रेकफास्ट का सीन फाइनल हो चुका है, थोड़ा 7-8 किलोमीटर दूर है, गूगल मैप पे देख लूंगा एग्जैक्ट दूरी कितनी दूर है, वहाँ पे जाके ब्रेकफास्ट करेंगे। तो भाई पहुँच चुके हैं 10-15 मिनट की राइड के बाद सूरज महल, और आज इसके एक्सटर्नल माइक की टेस्टिंग भी हो जाएगी कि बाहर विदाउट ये कैसी आवाज़ देता है। पुनीत को एक्सटर्नल माइक से काफ़ी शिकायत थी, थोड़ा लाउड बोलना पड़ेगा शायद। और अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, बाइक की टेस्टिंग भी हो जाएगी, वादों से बाइक खरीदी आज इसकी टेस्ट राइड लेने आए थे, तो इस बहाने ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा, तो देखते हैं कैसी लगी आपको बाइक का एक्सपीरियंस कैसा था। अच्छी है, लेने लायक है, ले सकते हैं, ले सकते हैं, लेने लायक है, फ्री में, फ्री में लेने लायक है। अंदर घुसते गैस की पक्की लगी, खाने से पहले बना रहा हूं, खाने के पहले और खाने के बाद। वेटर को बुलाते हैं बिल्कुल तमीज से, छोड़ो। पिछली बार मुझे उठा दिया था जब मैंने वेटर को अच्छे से बुलाया था। भीड़ देख ले आप, कितना रश रहता है इस रेस्टोरेंट में। ब्रेकफास्ट डन, आनंद में खाया, रिव्यू दो। मजा आ गया भाई, बहुत मजा, पेट फुल भर गया, स्वाद था बहुत, पराठा स्वाद था, चाय भी अच्छी थी, रिव्यू गुड, जबरदस्त मजा आ गया। जो केएफसी वेएफसी इनकी पे आप मतलब लोकल को ज्यादा सपोर्ट कीजिए, 230 रुपए में बहुत आनंद है। केएफसी को छोड़कर सूरज महल, सूरज महल तो मोटो व्लॉगर्स ने एक छोटा सा रेस्ट ब्रेक लिया है, काफ़ी दूरी की राइड थी इसलिए एक ब्रेक लेना ज़रूरी था। सो इस रेस्ट के बाद अब निकलते हैं सीधा रूम की तरफ। सो ये जो बीच में आप फैक्ट्री आउटलेट की शॉट्स देख रहे हैं, ये पेट्रोल वसूल किया जा रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे तो रोज आते हैं वैसे, पर अभी अभी 70 रुपये का फ्रेश पेट्रोल डलवाया है, तो वसूल कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं।